हेलो हाय फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है। न्यू ब्लॉग देख सकते हैं, जितिया का व्रत का भी ब्लॉग आया है। तो आप सब जितिया ब्लॉग में नमस्ते प्रणाम जरूर कीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं। यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए, भगवान को बना रहे, कुछ भगवान को बना रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर सब बैठ चुके हैं, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पूजा स्टार्ट होगा, तो हम सब बैठ चुके हैं। तो और सब अच्छे लोग भी बैठ चुके हैं, पंडित जी कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ये देखिए भगवान बना रहे हैं, जितिया जी छोले छोले बन रहे हैं। चलिए, हो गया, लोटा का जल जो प्रसाद चढ़ा इदम निवेद अर्पणम समर्पयामी, जो फूल उसमें चढ़ा दिए, पुष्पम बेलपत्र निवेद अर्पणम अमुक अमुक नाम से दिवाली दिव्य बेलपत्र चाहे फूल कुछ भी है उस पर चढ़ा दिए। सूर्य वंश में मेरा और उसे भूख लग गया, जैसे हम कथा कर रहे थे और जैसे वो भी कह रहे थे, तो उसको सियानिया को भूख लग गया। ठीक है, दोनों बहन थी, एक वो चील था एक वो सियार था। तो सियरवा को भूख लग गया, गांव से गिलास लेके आ रहा था कोई शमशान घाट जलाने के लिए। तो वहां पर पीपल वृक्ष में लोग बैठे हुए थे, खोड़ में रुके हुए थे। तो आज लोग कथा सुन रहे थे वहां पर, उन्होंने ये बांध दिए आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और दूसरा बात छुआ दिए ताकि हम नहीं भी आए, क्या बहुत जगह पानी दिलाना पड़ेगा, तो लोग बढ़िया दिवाले का सभी कुछ कम होगा। साढ़े दस बजे का फायदा दान बंधो का पुत्री का नहीं होने दे, इसलिए द्रव दिया जाता है। जो है ब्राह्मण जो भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए और सभी आपको दिखाते हैं। सुबह का टाइम हो चुका है।